कोरोना वायरस पूरी दुनिया में ये परेशानी का सबब बन चुका है। जितनी तेजी से यह वायरस पूरे देश और दुनिया में फैल रही है, उतने ही तेजी से लोग इस बीमारी के गलतफहमियों का शिकार हो रहे हैं। इस खतरनाक वायरस ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। अभी तक देश दुनिया के जो हालात है उससे एक बात तो जाहिर है कि कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ एकजुट होकर लड़ना होगा। ऐसे में लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये बला कब जाकर टलेगी। और हमें ऐसे अफवाहों से भी बचना होगा जिसका अभी तक कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। खुदा के कुदरत में एक मंजर निराला देखा, पंछी खुले आसमान में उड़े और घरों में कैद जमाना देखा। ये अवधारणा पूरी तरह से गलत है कि गर्मी आएगा तो कोरोना वायरस भाग जाएगा। जब हमारे यहाँ गर्मियों का मौसम आता है तभी दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम भी आता है। और पिछले सारे महामारियों में ऐसी कोई बात नहीं, हाँ मौसम पैटर्न के कारण ये बीमारियां आगे नहीं बढ़ पाती, ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। और ये यानी कि कोरोना वायरस एक वैश्विक वायरस है। हर आदमी कैद है, हर चेहरा डरा सा, तुम भी उठाओ हाथ कि मौसम दुआ का है। किसी भी ब्लड बैंक में कोरोना का टेस्ट नहीं किया जाता। भारत के चुनिंदा लैबों को चुना है जहां टेस्ट सैंपल कलेक्शन की फैसिलिटी। आपकी लकीरें भी कितनी साफी है, कमबख्त मुट्ठी में तो है मगर काबू में नहीं। सुनने में आया है कि साबुन और पानी के मुकाबले हैंड सैनिटाइजर एक बेहतर विकल्प है, लेकिन यह बात पूरी तरह गलत है। अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो कोई बात नहीं, साबुन और पानी भी हमारी त्वचा से वायरस को बहुत अच्छे से खत्म कर सकती है। खुद से ज्यादा संभाल कर रखती हूँ अपने मोबाइल फोन को, क्योंकि अब सारे रिश्ते इसी में जो कैद हैं। ये बात भी कोरी अफवाह, कोरोना से पीड़ित कई युवा मरीज अपनी सांसें 10 सेकंड से ज्यादा तक रोक सकते हैं। वही बुजुर्ग जो इस वायरस से पीड़ित नहीं है वो अपनी सांसें नहीं रोक सकते। हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दें, बल्कि हौसला वो रखें जो हालात को बदल दें। ये सब सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। गर्मियों में मच्छर के काट लेने से कोरोना वायरस तेजी से फैलता है, इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस वायरस का इन्फेक्शन श्वास नाली से आने वाली बूंदों से फैलता है, इसलिए इधर उधर के अफवाहों से बचिए और सुरक्षित रहिए। अरे कुछ दिन की तो मजबूरी है, हाँ दूरी अभी भी जरूरी है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर के करना होता है तो अक्सर हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से यह सोच करके पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो इसे कर ही देगा। और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां हमेशा वैसी की वैसी बनी रहती है। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने में लग जाएं, तो पूरे देश में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज हमें जरूरत है।